भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वह शायद तक अभी तक के किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। 500 साल पुराना मुद्दा उसने 5 साल में सिमटा दिया। आजादी के 75 साल तक के सरकार ने नहीं सुलझा पाया उसको, परंतु इन्होंने सिर्फ चुटकी बजा के 5 साल में निपटा दिया। इसलिए अब की बार 400 पार फिर मोदी एक बार। विश्व में तिरंगा लेके निकल जाओ तो हिंदुस्तान का है आदमी, यूक्रेन में युद्ध बंद हो जाता। तो मोदी सरकार है, जो मोदी के मंत्री हैं वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और देश को ऊपर ले जा रहे हैं। ये जितने वहाँ बैठे ये सब देश के गद्दार बैठे हैं, ये सब चोर इकट्ठे हुए पड़े, ये अपनी जमानत बचाने के लिए बच्चे पड़े हैं, आम पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। भाई ये सोच रहे कि हम रैली करके बीजेपी को हरा, बीजेपी की मैं नहीं, मैं मोदी की बोल रहा हूँ, मोदी ही आएगा। मोदी सपोर्टर हैं जी, देश के सपोर्टर हैं। क्या नाम है आपका? जयदेव। क्या क्या है इस बार का मूड? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केजरीवाल की रैली में आ रखे हैं आप भीड़? मैं कहाँ केजरीवाल की रैली में आया हूँ, रामलीला मैदान में आज सड़क है, ये तो सड़क है, सड़क पे चल रहे हैं हम। क्यों क्यों लगता है आपको कि बीजेपी दोबारा से आनी चाहिए? क्योंकि जो कार्य मोदी ने किया है वो कोई कर ही नहीं सकता अभी तक, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। किस तरह का कार्य? बहुत से काम है। आप खुद एक युवा है तो आप खुद सपोर्ट करते होंगे बीजेपी को, भले ही मेरा इंटरव्यू ले रहे जरूर आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वह शायद तक अभी तक के किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। बहुत से मुद्दे हैं, 500 साल पुराना मुद्दा उसने 5 साल में सिमटा दिया, सिमटाया ना 500 साल पुराने मुद्दे। आजादी के 75 साल तक के सरकार ने नहीं सुलझा पाया उसको, परंतु इन्होंने सिर्फ चुटकी बजा के 5 साल में निपटा दिया, तो कितनी अच्छी बात है, और भी शांति से दोनों पक्षों के साथ समझौता करते हुए निपट गया। इसलिए अब की बार 400 पार फिर मोदी एक बार। ये सब चोर इकट्ठे हुए पड़े, ये अपनी जमानत बचाने के लिए बच्चे पड़े हैं। हिंदुस्तान का जो बंदा है, जो जवान है, नौजवान है, सब जो देशभक्त है वे सब जाग चुके। ये जितने वहाँ बैठे ये सब देश के गद्दार बैठे थे। ये मुफ्ती मोहम्मद को जिसको बुला रहे ये बोलते थे तिरंगा झंडा, मैं फौज से हूँ, हमने देखा वहाँ से कि साले पत्थर मारते थे फौजी के, निकलने नहीं देते थे। हाँ गाली निकल रही मेरे मुंह से, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, पत्थर मारते थे हम जवानों के, हमने खुद देखा। आज ये मंच पे साझा कर रही कि मोदी घटा विश्व में तिरंगा लेके निकल जाओ तो हिंदुस्तान का है आदमी, यूक्रेन में युद्ध बंद हो जाता, म्यांमार में, उसमें कतर में 7 उनको वो लगी फांसी दी थी मक्की सरकार ने, है एक लाया ना बचा के उनको, और इनके टाइम पे 71 की लड़ाई में हमारा कप्तान कालिया हाला गोलियों से भून दिया ना निकला। अभी अभिनंदन एक गया था ना वो पार में, है अमेरिका बोलता है कि अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो हिंदुस्तान को ही बड़ा करना है। ये पावर है अब मोदी की। मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा मैं कि भाई बीजेपी बहुत अच्छी, लेकिन जो मोदी सरकार है, जो मोदी के मंत्री हैं वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और देश को ऊपर ले जा रहे हैं, देश को ऊपर ले जा रहे हैं हर जगह। आप हमें यहाँ नहीं, आप यहाँ मेरे कहने की बात मुझो, जो विदेश में हमारे भाई है जब वे आते हैं उनसे पूछो कि हमारे देश की आज क्या वैल्यू है, ये यहाँ बकवास कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया है। आपके यहाँ पे किसी और के यहाँ पे तो ईडी का छापा ना मारा हमारे यहाँ, ये कांग्रेस ने क्या करा? 70 साल हो गए यहाँ मुगल शगराय है, ये कौन सी अकबर रोड, ये माहिर रोड है, अगर ये हटा रहे हैं अपनी उस मुगल संतनत को, हैं तो हम गुलामी थे उनके, तो वे सब हटनी नहीं चाहिए हैं। इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई उसके लिए कोई नहीं बोलता। आपने अभी कल देखा होगा है वो जनाजे में कितने 3-4 लाख जो पूरे पूरा चल में जिसका वो था है आदमी को मार दिया, उसका डीसीपी का वो सुना होगा भाषण है, उसको मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। तो ऐसी सरकार को आम पब्लिक क्या करेगी? ये तो ठीक है चला भाई, अभी हमारे भी दोस्त ने बोला चलो भाई शराब में चल, हम भी आ गए। शराब नीति है, शराब नीति अगर इनकी अच्छी थी तो क्यों रख दी? अब बोल रहे हैं कि भाई कोई वो नहीं है, अरे नौ समन भेजे तो क्यों नहीं गए वहाँ अपना प्रत्यक देखने? अब बताओ हमें तो एक बार ना हम समन गए तो पुलिस आके उसी दिन पकड़ के ले जा है, ये नौ नौ दस दस समन हो जाए भाई जाते नहीं, क्यों ये सोचते हमारी जेब में है सब। लग रहा है आपको कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? बात का बतंगड़ नहीं, महाबतंगड़,
बात का बतंगड़ नहीं, महाबतंगड़ है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। ये आम पब्लिक को वो कर रहे हैं, और कोई नहीं, आम पब्लिक को भ्रमित कर रहे भाई। ये सोच रहे कि हम रैली करके बीजेपी को हरा, बीजेपी की मैं नहीं, मैं मोदी की बोल रहा है, जब मोदी ही आएगा उसके आप क्या कह रहे हैं? मोदी सपोर्टर हैं जी, ये शराब नीति जो लाई गई थी अपने दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री, देश के सपोर्टर हम, जो देश के लिए काम करेगा हम उस। क्या नाम है आपका? विजय कटिया। क्या लगता है 2024 का चुनाव है, कौन आएगा? देखो मोदी जितनी आशा रखते हैं ना, 1/3 रख लो मोदी का, केजरीवाल ने डंका बजा दिया है इतना जान लो। आप जितनी जो है इंडिया गठबंधन की आशा रखो, बस इनमें फूट ना पड़े। नहीं तो आप देखिए, पहले से भी जैसे नीतीश कुमार हैं, पहले ही चले गए, ममता बनर्जी हैं, देखो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अकेले बंगाल में देख लूंगी। नहीं देख लूंगी तो, लेकिन इसके हिस्सा ही तो है ना। और नीतीश कुमार तो ऐसे पलटू राम है, उनके बारे में हम क्या, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, इसलिए। तो आपको लगता है इंडिया गठबंधन 2024 में जीतेगी? इंडिया गठबंधन बिल्कुल, ऐसे बोले दिल्ली की गलियां इन्होंने सीज कर रखी हैं, दिल्ली की जनता कम है। अच्छा एक सवाल दिल में आता है, केजरीवाल जी को यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, 70 में से लगभग 90% मार्जिन से इस बार जीते थे मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में क्या हो जाता है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी ले जाती है उठा के? देखिएगा लोकसभा में ये होता है कि कांग्रेस इनका विघटन हो जाता है। अब की बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन की ज्यादा संभावना है। चोर बेईमान जो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ता है, और वो बेईमान फिर उसको अपने आप में मिला लेता है और क्लीन चिट हो जाते हैं, ऐसे गद्दार लोग हैं जो दारू पी के बदमाशी करने वाले लोग हैं, भगवा रंग पहन के मेरे राम को बदनाम करने वाले, वही आज मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं। जो राम के सच्चे भक्त हैं वो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी बदमाश है, ये केवल राम के नाम से लूटने का काम कर रहे हैं, परंतु अब इसको लूटने ले जाएगी जनता, सनातन धर्म का नाम लेके लूटने की कर रहा है, हिंदू उसके बेखा में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुओं को पागल बना के 5 किलो गेहूँ दे के वोट देना चाह रहा है, पर तू नहीं आएगा अब हिंदू, समझ चुका है हिंदू। अच्छा एक चीज बताइए, केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत ज्यादा मजबूत हैं इस समय। हाँ। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो 70 में से उन्होंने लगभग 90% सीट जीती थी। हाँ। क्या हो जाता है लोकसभा चुनाव में, ऐसा क्या कि बीजेपी सारी सीट ले जा लेती है, आम आदमी पार्टी को कोई देता? अब मैं बताऊँ, सबसे बड़ा जो फ्रॉड है इन मोदी जी का वो है ईवीएम मशीन का फ्रॉड है, ये चाहते हैं। अब कहीं भी चले जाओ आप, देखो क्या मुद्दा करते हैं लोग, बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं, जब ईटीएमसी के लोग बदमाशी करते हैं या फिर बाद में चुप हो जाते हैं, चुनाव आते जब बदमाशी करते हैं क्या, जब हिंदुओं को मारते हैं उसके बाद में जब भाईचारे से रहते हो, एक कौन सा सिस्टम आ गया? ये मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम करके ये मरवाता है और वोट लेता है। 2019 के अंदर इसने मेरे देश के 40 शहीद जवानों को शहीद करके इसने वोट लिया। इसने आज जब किसान पराली जलाता है तो ऊपर से सेटेलाइट से फोटो खींच के उसके चालान कर दिया जाता है, और वो पता नहीं चला कि इतने बड़े कापी लेके अंदर 400 किलो का जो ड्राइव लेके जो गाड़ी गई वो कहाँ से आई, अब तक जाँच हुईगी पूरी? नहीं हुई, क्योंकि इसमें पूरा पूरा संदेह देख लीजिए, उन पूरा पूरा साथ मोदी जी का हाथ है उन जवानों को मराने के लिए, वरना उन जवानों ने एयरलिफ्ट मांगा था, क्यों नहीं दिया गया उनको? और मोदी जी खुद 9,000 करोड़ का एयरलिफ्ट लेके घूम रहे हैं, कहता मैं तो फकीर हूँ, ये फ्री फ्री की योजना करता है। मोदी जी विदेश में जा रहा है तो क्या उसके पैसे से जा रहा है क्या? मेरे पैसे से, तुम्हारे पैसे से, हर के पैसे से जा रहा है। मोदी जी चुनावी रैलियां करने जा रहा है तो हमारे पैसों से जा रहा है, जनता के पैसे से जा रहा है, बीजेपी के पैसे से नहीं जा रहा। ये इतना बड़ा हो रहा है, ये केवल चंदा चोर है, चंदा लो और धंधा दो, अन्नानी अम्बानी का यार है ये, दलाल है ये, देश का गद्दार है। आप क्या कहेंगे सर? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब में सरकार बनी है, राज्यपाल मोदी का है, वो चलने नहीं दे रहा, जहाँ जहाँ भी मोदी का राज्यपाल है वहाँ वहाँ सरकार चलने नहीं दे रहा। आज ये आप इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हो, आम आदमी पार्टी
और आम लोग केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। और मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे को एक सीट मिली है कांग्रेस के गठबंधन में, और कांग्रेस दिन रात हमारे साथ मेहनत करके और हरियाणा में एक MP की सीट हम जीतेंगे और 9 कांग्रेस की सीटें जीतेंगे, ये दावा मैं करता हूँ आज। इस बार 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है गठबंधन के अंदर, बिल्कुल। कितना लगता है, कितना आंकड़ा जाएगा? 20 की 20 आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? ये माहौल देख रहे हो आप, ये माहौल उसी का है, ये 20। अच्छा, दूसरी बात सुनो, ये डर है मोदी को, ये केजरीवाल जी को जेल में क्यों डाला? उनको पता था भी आने वाला जो भविष्य है वो केजरीवाल है, इसलिए। लेकिन उनके रोकने से केजरीवाल रुकेगा नहीं। केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में अपनी सरकारें बनाकर प्रधानमंत्री का पद लेकर और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ईडी ने जिस एक्ट के तहत उनको अंदर किया उसमें जमानत मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लगभग 90% से ज्यादा नहीं मिलती है उसमें जमानत, तो क्या लगता है आपको कि कितनी उम्मीद? नहीं, बिल्कुल। जब केजरीवाल जी ने ईडी को सवाल किया कोर्ट में, जज साहब को सवाल किया और हमारे जो वकील थे उन्होंने सवाल किया, भाई इनके उस ऊपर दोष क्या है वो तो बताओ, लेकिन दोष को बता नहीं पाई ईडी, तो फिर कैसे जेल में रख सकते हैं केजरीवाल जी को? उनको बाहर निकालना पड़ेगा। और देश सारा, देश भी, विदेश भी, अमेरिका, जर्मन, सभी केजरीवाल के समर्थन में आए हैं। क्यों आए हैं? कोई सच्चाई है तो तभी तो आए हैं। झूठ का एक दिन मुंह काला होगा, सच्चे का बोल बाला होगा। चलिए, धन्यवाद, महिलाओं से बात चला गया उनकी। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश से बिमला स्वान बोल रही हूँ और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश पे चल क्या रहा है, जो भी है यहाँ तानाशाही चल रही है, जो यहाँ पे काम करता है उन लोगों को जो है रेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे देश में सबसे पहले हमारा राजा ही नहीं सही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि राजा जो है यहाँ पे चोर बैठ गया है और जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तब बहुत जुल्म होते जाएगा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राहुल शर्मा है। क्या कहेंगे, जो पूरा प्रकरण हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? भैया, मैं तो ये कहना चाहूँगा केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है? ये लोग, अभी आपने सुना होगा बॉन्ड वाला, चंदा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये लाए तो अपने अच्छे के लिए थे पर इन्हें भारी पड़ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये उजागर करना है, खुद उजागर होना। इन्होंने इतना जिसने भी इन्हें चंदा दिया है उनका इन्होंने आंतरिक रूप से किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाया है, पर केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पहली बार, मेरी उम्र करीब 42 साल हो गई, मैंने अपने होश में इस साल देखा है किसी मुख्यमंत्री को आप कैद कर दोगे, अभी तक मैंने नहीं देखा। तो भाई इनके साथ तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसका ईंट का जवाब पत्थर से जनता को देना होगा। सातों की सातों सीटें, एक नारा है कि मतलब भाजपा इस बार तड़ी पार, इस नारे पर ही काम करना पड़ेगा। जनता इन्हें जवाब देगी, जो पढ़ी लिखी समझदार जनता, आम आदमी, अब इस बार इन्हें जवाब दे देगा। अच्छा, क्या हो जाता है, जैसे कि हमने देखा कि केजरीवाल जी यहाँ पे 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भारी बहुमत से बनते हैं, वो 70 सीटें हैं दिल्ली में, लगभग 90% से ज्यादा इस बार उनको वोट मिले थे, 90% से ज्यादा सीटें उनकी इस बार आम आदमी पार्टी की विधानसभा में हैं। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, 2019 में भी हमने देखा था, लेकिन मैं बताऊंगा जो आप समझिए, आपके लोगों का सोच ये है, अभी तक जो थी जब तक गिरफ्तारी से पहले अधिकांश थे सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखो की केंद्र में भाजपा या अन्य सरकार काम सही कर रही है, दिल्ली के लिए जो उन्हें चाहिए सरकार वो चाहिए। पर आज का मुद्दा सभी का है, महंगाई पे बात कर लो, बेरोजगारी पे बात कर लो, आप किस चीज़ को देख करके खुश हैं ये बताओ? सिर्फ धर्म जात की राजनीति हो सकती है और कुछ नहीं। कोई मुद्दा आएगा उस पर या तो एकदम ये 370 मंदिर ठीक है बनने चाहिए, मैं मान रहा हूँ, पर साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए, नहीं? समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई, इसके साथ लोगों को रोजगार भी तो चाहिए। आप अगर इस समय हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, चैनल पे आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, किसी की कर रहे हो, अगर आपके हाथ में थाली में रोटी नहीं होगी ना, कुछ नहीं। आदमी को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखा युवा फिर रहे हैं, लाखों डिग्री ले, कहाँ से नौकरी मिलेगी? तो आप, लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बदलाव पक्का होगा, आम जनता खुद जवाब दे देगी, दिल्ली की जनता। और इन लोगों का गठबंधन हुआ है, ये कहते हैं साहब ठगी आंदोलन ठगी मेला, ऐसा कुछ सुनने में आया। अरे भाई, कोई दूध का धुला नहीं है, भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई भी चले जाओ धुल जाओगे। चलिए, धन्यवाद।
सर। अभी जाना मत, बाहर जाना। अच्छा अच्छा, वो कटा हुआ लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहा है। ये ना